नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले एक घंटे तक इस बुलेटिन में आप देख सकेंगे वो तमाम खबरें जो आपको देश दुनिया से रूबरू कराएंगी। हर वो खबर आपके सामने होगी जिससे आपका वाकिफ रहना बेहद जरूरी है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ खबरों की झलकियों के साथ शुरुआत करेंगे। मजदूरों छात्रों को घर लाने का यूपी सरकार का क्या है मेगा प्लान, ये आपको दिखाएंगे। बुलेटिन में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या क्राइम ब्रांच की चौथी नोटिस के बाद सामने आएगा मौलाना साद। साथ ही हम आपको बताएंगे रूस के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे देखिए 100 शहर 100 खबर। कोरोना के नए आंकड़े जारी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1993 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 564 ठीक हुए हैं, 73 मरीज कोरोना वायरस से लड़ते हुए हार गए हैं। देश में कोरोना केस की तादाद 35,000 पार कर गई है, जबकि 8,800 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। हालांकि इससे मरने वालों की संख्या भी 1,147 तक पहुंच गई है। अब आपको राज्यवार स्थिति दिखा देते हैं। लॉकडाउन पार्ट टू खत्म होने में महज 3 दिन बाकी हैं। लॉकडाउन से कोरोना में लड़ने में कितनी अभी तक प्रगति हुई है, इसके लिए ये देखना जरूरी है कि देश में लगातार कितने मामले बढ़ रहे हैं। और ये बेहद चिंता की बात है क्योंकि 17वां दिन है लॉकडाउन पार्ट टू का और 2 दिन बाकी हैं। इसके बावजूद 130 जिले रेड जोन के हैं, जबकि 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं। ग्रीन जोन में करीब 319 जिले हैं। और वहीं अगर बात करें मेट्रो सिटीज की तो यहां पर भी चिंता की बात है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो यहां पर इसी इलाके में आपके लिए जाना बेहद जरूरी है कि जिस जोन में आप हैं वो दरअसल रेड जोन में आता है, ऑरेंज जोन में आता है या फिर ग्रीन जोन में आता है। गाजियाबाद इस वक्त ऑरेंज जोन में है, गुरुग्राम ऑरेंज जोन में है, लेकिन फरीदाबाद रेड जोन में है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं कि किस राज्य में कितने जिले रेड जोन में है। कुल मामले 35,000 के पार, मौत 8,500 के पार, 8,889 अगर एकदम सटीक आंकड़ा आपको बताएं तो। ठीक हुए हैं 1,147 मरीज, ये ताजा आंकड़े हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। और हर रोज हम आपको ताजे आंकड़ों से इसलिए अवगत कराते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिरकार स्थिति क्या है इस वक्त कोरोना की पूरे देश में। राज्यवार स्थिति देख लीजिए। महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, 10,498 मामले, कुल मिलाकर मौतें अब तक 459 मौतें। लगातार महाराष्ट्र की स्थिति परेशान करने वाली है। गुजरात की अगर बात करें, 4,395 मामले यहां पर कुल और मौतें हुई हैं यहां पर 214। दिल्ली भी इस वक्त खतरे का केंद्र बनी हुई है, यहां पर 3,515 मामले और मौतें हुई हैं 59। इसी वजह से दिल्ली की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश यहां पर 1,403 मामले, 31 मौतें कुल इस राज्य में हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। कई ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश में जहां पर काफी ज्यादा स्थिति चिंताजनक है। 2,660 मामले हैं। राजस्थान में 2,584 मामले, 58 मौतें हुई हैं। सिर्फ रामगंज इलाका ही नहीं, कई और इस इलाके हैं जो इस वक्त हॉटस्पॉट बन गए हैं। तमिलनाडु की अगर बात कर लें, 2,323 मामले, यहां पर 27 मौतें हुई हैं। इसको देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अभी भी ये जो स्थिति हुई है इसको काबू पाने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। तेलंगाना राज्य की स्थिति हमने आपको दिखाई, तो रेड कितने सारे जोन है ये आपको दिखा देते हैं। 130 जोन है जो इस वक्त रेड कैटेगरी में है, ऑरेंज जोन 284 है और ग्रीन जोन 319 है। ये थोड़ी राहत की खबर है क्योंकि ग्रीन जोन वो जोन होता है जहां पर कोरोना का एक भी मामला नहीं होता है, कोई भी संक्रमण नहीं होता है। मिलन शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। मिलन, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है आपके पास कोरोना को लेकर? देखिए, ये जो रेड ग्रीन
और ऑरेंज जोन की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन जो रेड जोन है वो 130 के करीब है। और ये सारे रेड जोन में जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई है, फिलहाल इसमें एक पत्र में लिखा गया है सेक्रेटरी द्वारा हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को कि यही 3 मई के बाद भी डेजिग्नेटेड रेड जोन जैसे देखे जाएंगे। और इनमें जो कोरोना वायरस से लड़ाई है सरकार की वो जारी रहेगी, इस तरीके से एक स्टैगर्ड लॉकडाउन इन एरियाज में जारी रहने की ऐसी आशंका अभी जताई जा रही है। और देखना ये कि हर राज्य का इसमें एक लिस्ट में नाम है जितने डिस्ट्रिक्ट्स इसमें रेड जोन में है, तो मैं बता दूं कि दिल्ली के 11 से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं सारे इस वक्त रेड जोन में हैं। उत्तर प्रदेश के कम से कम 19 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रेड जोन में हैं। गुजरात में कम से कम 9 डिस्ट्रिक्ट्स रेड जोन में हैं और पश्चिम बंगाल करें अगर तो उसमें 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रेड जोन में आते हैं। और कई ऐसे राज्य भी हैं जो बिल्कुल भी रेड जोन में नहीं है, जैसे गोवा कंप्लीटली ग्रीन जोन में आता है और असम में भी काफी ऐसे राज्य हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं। तो ये एक बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली की बात कर लेंगे क्योंकि दिल्ली की जो मंडी है उसे देखकर सरकार का टेंशन लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में मरीजों की संख्या 15 हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी होते हुए भी कोरोना संक्रमण अलवर और झज्जर तक भी पहुंच चुका है। हरी सब्जियां, फल, आलू, प्याज, टमाटर, लॉकडाउन के बीच किचन से होकर पेट तक जाने वाली सबसे जरूरी चीजें क्या अब कोरोना का खतरा पैदा कर सकती हैं? क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर धीरे धीरे कोरोना वाली मंडी बनती जा रही है। आजादपुर मंडी से करीब एक हफ्ते पहले एक व्यापारी के कोरोना संक्रमण की खबर आई, जिसके बाद मंडी में कोरोना पीड़ितों की संख्या 11 हो गई और अब आजादपुर मंडी से कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही मंडी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। लगातार पुलिस की तरफ से यहां पर अनाउंसमेंट की जाती है, बैरिकेडिंग की जाती है कि ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर की तरफ जाएं, लेकिन अंदर जब जैसे ही जाते हैं तो अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आती है। कारोबारी इस कोरोना के लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं उसके बाद से ही कोताही कर रहे हैं, अंदर जाने से बचते नजर आ रहे हैं। आजादपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से हड़कंप मच गया है। प्रशासन पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के संपर्क में आने वालों की जांच कर रही है। वहीं मंडी की 13 दुकानों को सील कर दिया गया है। 43 लोगों को क्वारंटीन किया गया है जिनके खाने का इंतजाम मंडी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा ये सूचना मिली है कि 15 लोगों को अभी कोरोना पॉजिटिव आया है, जो जिला प्रशासन ने हम लोगों को सूचित किया है और उसके बाद हमने उनकी दुकानों को सैनिटाइज करा के उनकी दुकानें सीज कर दी हैं। करीब 46 लोगों को क्वारंटीन किया गया है जो उनकी दुकानों पर काम करते थे। आजादपुर मंडी का कोरोना कनेक्शन राजस्थान के अलवर तक पहुंच गया है। अलवर में सब्जी की खेती करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमित शख्स बानसूर सब्जी मंडी और दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में सब्जियां बेचने पर पेमेंट लेने के लिए जाता था। फिलहाल जिला प्रशासन मेडिकल टीम बनाकर युवक की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा है। उसके संपर्क में सब्जी की गाड़ी ले जाने वाले ड्राइवर और उसके परिवार को क्वारंटीन किया गया है। 3 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चैनपुरा गाँव में कर्फ्यू लगाया जाएगा और यहाँ पर जितने भी लोग और वाहन उनका जो आवागमन है उसको पूरी तरह से सख्ती से देखा जाएगा। जो जरूरतमंद जो चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी सख्ती से पूरी तरह से कर्फ्यू लागू किया जाएगा। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी से निकली कोरोना की ये बीमारी बहादुरगढ़ और झज्जर तक पहुंच चुकी है। सब्जी लाने और बहादुरगढ़ और झज्जर सब्जी मंडी में खरीद फरोख्त का काम करने वाले दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झज्जर में संक्रमित हुए 9 लोग बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। वहीं झज्जर मंडी का एक आढ़ती और एक मजदूर भी संक्रमित मिला है। 10 नए केस में 7 मामलों का भी सीधा संबंध सब्जी मंडी से ही है,
जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मंडी को अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अलवर से संतोष शर्मा और झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरह से लगातार संक्रमण के मामले मंडियों में बढ़ रहे हैं, उसको देखकर क्या लगता है, जो ढील दी गई है वो वापस ली जा सकती है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शुरुआत में एक हफ्ते पहले पहला संक्रमण का मरीज मिला था और इसके बाद कल भी 4 नए मामले सामने आए, जिसके बाद 15 पहुंच चुकी है संख्या। और आपको बता दूं, 116 लोगों का टेस्ट जो है मंडी के अंदर से किया गया, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी, और इसीलिए प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए डॉक्टर्स की 2 मेडिकल टीमों को अंदर ही तैनात किया है। पूरी मंडी को दिन में 2 बार सैनिटाइज कर रही है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही 13 दुकानों को सील किया गया और 46 लोगों को मंडी के अंदर क्वारंटाइन किया गया। तमाम एहतियात जरूर बरते जा रहे हैं, लेकिन अब जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी वो कोरोना वाली मंडी बन चुकी है और इसका असर ये हो रहा है कि जो आड़ती जो मजदूर यहां पर हो काफी ज्यादा भयभीत हो चुके हैं। पहले ही मध्य भारत से जो सामान की आवक काफी ज्यादा कम थी, लेकिन अब यहां पर बिक्री नहीं हो रही है। पिछले 4 दिन की बात करें तो जो सामान आया हुआ था वही नहीं बिक पाए हैं। यहां तक कि रमजान में फ्रूट्स को लिया जाता था, फल खरीदे जाते थे, वो भी अब नहीं बिक पा रहे हैं और ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है आड़तियों का। यहां तक कहना कि अगर कोरोना की यही स्थिति चल रही है, माल भी नहीं बिक रहा है, तो फिर मंडी को बंद भी कर देना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी मांग उठ रही है कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के कुछ मामले मिल रहे थे उनको सील किया जा रहा था, तो आखिर आजादपुर मंडी जिसमें 15 मामले अभी तक हो चुके हैं उनको सील क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग इस मंडी के अंदर आते हैं, ऐसे में तमाम सवाल प्रशासन और सरकार की तरफ भी खड़ा हो रहा है। फिलहाल एहतियात जरूर बरते जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, 116 लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऐसे में आरती यही दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अब और ज्यादा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आजादपुर मंडी की खबर दिल्ली वालों के लिए यकीनन परेशान करने वाली है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए नया मेगा प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार का मेगा प्लान। हॉटस्पॉट हो या कंटेनमेंट जोन, दिल्ली सरकार ने बढ़ाई सख्ती। हॉटस्पॉट जोन में 14 दिन में होगी 3 बार स्क्रीनिंग। चौबीस घंटे में 76 नए केस, 24 घंटे में 3 की मौत, 3,515 कोरोना केस। कोरोना के इन आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल शाम नए मेगा प्लान का ऐलान कर दिया है। नए कदमों के मुताबिक राजधानी के हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में और सख्ती और सावधानी बरती जाएगी। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा है, किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के 14 दिन में कम से कम 3 बार वहां रह रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। अगर अभी तक किसी कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो अगले 3 दिन के अंदर पहली स्क्रीनिंग की जाए। इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से कोरोना टेस्ट किए जाएं। साथ ही ये भी आदेश दिया कि जिन कंटेनमेंट जोन में जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है वहां माइक्रो लेवल प्लानिंग की जाए। हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब यह तय किया है कि हर हॉटस्पॉट जोन में तकरीबन 3 बार लोगों का टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर लक्षण पाए गए तो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से कोविड टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। इन सब के बीच ये भी साफ तौर पर कहा है कि जिन हॉटस्पॉट जोन में जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है वहाँ पर माइक्रो लेवल प्लानिंग की जाएगी, यानी कोरोना को जड़ से खत्म करना है। दिल्ली में अब तक कंटेनमेंट जोन के अंदर हर घर के हिसाब से सर्वे किए जाते थे और अगर कोई दिक्कत नजर आती थी तब कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब इस जोन के हर व्यक्ति की 14 दिन के अंदर 3 बार स्क्रीनिंग की जाएगी। माना जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया। हालांकि इस बीच राहत की खबर ये है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2 हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन खत्म किए गए।
इस तरह अब हॉटस्पॉट की संख्या 100 से घटकर 98 हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे में कोई नया हॉटस्पॉट नहीं बनाया गया। इस बीच कोरोना के खिलाफ जंग में जोखिम उठा रहे दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने मिलकर कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाया है, जहां सिर्फ दिल्ली पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस के अब तक तकरीबन 42 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। रामकिंकर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिव्यांशु, हमारे संवाददाता दिव्यांशु। जहां पर आप खड़े हैं वहां पर कोरोना संक्रमित मामले कितने हैं, क्या ताजा अपडेट है आपके पास इसको लेकर? गुरुग्राम की सीमा को तो सील पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब क्या कंटेनमेंट जोन के बारे में वहां से खबरें आ रही हैं, किस तरीके से आंकड़े बदले हैं? बिल्कुल नेहा, ठीक फरीदाबाद के बाद आज दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त NH-48 पे खड़ा हूँ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे, और यहाँ पे पूरी लाइन कार्स की लगी हुई है। इन सभी को एसेंशियल सर्विसेज के अंडर जो आता है उन्हीं को यहाँ से जाने दिया जा रहा है, और जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर नहीं होगा, जिसके पास वैलिड पास नहीं होगा, उसको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। एसेंशियल सर्विसेज में सारे सरकारी एम्प्लॉयज, ATM कैश वैन्स, एम्बुलेंस और तमाम अलग लोग आते हैं, और जिनके पास ये पास नहीं होगा उनको वापस भेज जाएगा। साथ ही साथ चेकिंग होने के साथ यहाँ पे 10 बजे के बाद एक कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग लगाई जाएगी, और यहाँ पे जो भी सिम्टोमेटिक पर्सन होगा उसके लिए एक रैपिड टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। ये तमाम स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि गुड़गांव में जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन बढ़ते मामलों के बीच पंजाब में एक अलग टेंशन है। नांदेड़ से लौटे 148 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन 2 खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन देश में न ही कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही है और न ही मरने वालों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में आंकड़ा जहां 10,000 के पार पहुंच चुका है, वहीं मुंबई में भी कोरोना संक्रमित की संख्या 7,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, दिल्ली, राजस्थान कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं अब पंजाब में कोरोना ने अमरिंदर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे से पंजाब लाए गए श्रद्धालु अब सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। पंजाब में पहले सरकार की सख्ती और कर्फ्यू पर जमातियों ने पानी फेरा, और अब घराती यानी कि पंजाब के जो श्रद्धालु नांदेड़ साहिब से लौटे हैं उनके मीटर की बात करें तो 100 की तादाद में ये श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में रिजल्ट अवेटेड है। कुल मिलाकर पंजाब सरकार जितनी सख्ताई करती है उतना ही कभी जमाती तो कभी घराती उस सख्ताई पर पानी फेर देते हैं। नांदेड़ में करीब 3,000 श्रद्धालुओं को वापस पंजाब लाया जा चुका है, जिसमें से अब तक 148 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। पंजाब में ये पहली बार है जब एक दिन के अंदर 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अभी भी नांदेड़ से पंजाब लौटे कई लोगों की स्क्रीनिंग होनी बाकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि नांदेड़ से लौटे इन श्रद्धालुओं में से कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पंजाब में अब पॉजिटिव केस 480 तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं को 21 दिन के क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने पहले ही कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि चंडीगढ़ अभी भी कंटेनमेंट जोन में है। आज तक ब्यूरो। और आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे आपके लिए क्या है खास। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को अपने गृह राज्यों में लाने की इजाजत मिलने के बाद योगी सरकार उन्हें लाने का मेगा प्लान तैयार कर चुकी है। इसके तहत कल मध्यप्रदेश से 100 बसों में भरकर करीब 3,000 मजदूर यूपी के लिए रवाना हुए। बस
मजदूरों का ये जत्था मध्य प्रदेश से प्रयागराज पहुंचा है। बस में भरकर ये मजदूर एमपी के रीवा से चले थे। ऐसी 100 बसें एमपी से यूपी के उन करीब 3000 मजदूरों और बाकी लोगों को लेकर कल रवाना हुई थी जो लॉकडाउन में फंस गए थे। रीवा तहसील से आए हैं, एमपी से लेबर लेके आए हैं। 22 गाड़ियां और भी आ रही पीछे, और आ गई हैं और आ रही पीछे। अब यहाँ से लेबर लेके जाएंगे रीवा। शर्तों के साथ मजदूरों, छात्रों, सैलानियों को अपने घर ले जाने की गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद योगी सरकार एक्शन में है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है, कोई पैदल यात्रा ना करे, सबको हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे। हर व्यक्ति की चाहत होती कि जब मुसीबत में हो वो तो अपने घर में हो, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, भाई बहन के साथ हो, गांव में हो। तो हमारी सरकार ने प्रारंभ काल से ही निर्णय लिया था कि हम ऐसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाएंगे। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया तो और बेहतर व्यवस्था हम करेंगे, और हमने सभी प्रदेशों में अपने नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं और वहां वो संपर्क स्थापित करके और लाने का इंतजाम करेंगे। दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कल एमपी से 100 बसें चली, तो अब अगले चरण में ऐसा ही घर वापसी अभियान गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान में भी चलाया जाएगा। दिल्ली, नोएडा और अलीगढ़ से भी हजारों मजदूरों को निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस महामारी काल में पूरे देश में जो भी जहां है वो ज़्यादातर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको उनके घरों तक पहुँचाया जाए। बाहर फंसे अपने लोगों को घर लाने में जहां कई सरकारें हिचकिचा रही थी, वहीं यूपी सरकार का इस मोर्चे पर शुरू से मानवीय रवैया रहा है। इससे पहले दिल्ली बॉर्डर से 4 लाख लोगों को यूपी लाया गया था। इसके बाद 15,000 छात्रों को कोटा से यूपी लाया गया। हरियाणा से भी 12,000 कामगारों को लाया गया। इसी तरह प्रयागराज में पढ़ रहे छात्रों को उनके घरों तक सरकारी स्तर पर पहुँचाया गया। संकट के वक्त हर इंसान अपनों के बीच में रहना चाहता है। ऐसे में योगी सरकार का ये कदम उन हजारों लोगों के लिए राहत भरा है जो महामारी के संकट में अपनों से दूर हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। बात अब मौलाना साद की करेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को 4th नोटिस दे दिया है। नोटिस में ये पूछा गया है कि मौलाना साद ने सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराया है या फिर नहीं, और अगर कराया है तो उसकी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं क्राइम ब्रांच को सौंपी है। नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, कुल 4 नोटिस चले गए मरकज के मौलाना को। हर नोटिस में कोरोना टेस्ट का हिसाब मांगती है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, जो देश में सबसे बड़े कोरोना कैरियर बने उस तबलीगी जमात का मुखिया आखिर क्यों छिपाता फिर रहा है अपना कोरोना स्टेटस। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मौलाना साद ने कहा था कि वो पुलिस से नहीं भाग रहा, उसने कोरोना जाँच कराई है। आप कहाँ हैं? एजेंसियाँ जानती हैं मैं कहाँ हूँ। क्या आपने कोरोना जांच कराई? क्राइम ब्रांच ने कहा तो मैंने कोरोना जांच कराई। बड़ा सवाल यह है कि अगर मौलाना साद ने टेस्ट कराई तो रिपोर्ट कहाँ है? इस दावे के 6 दिन बीत जाने के बाद भी कहाँ है रिपोर्ट? ये मस्जिद में आने से आज मर जाएगा। लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाला ये ऑडियो मौलाना साद के गुनाह की पोल खोलता है। मौलाना साद ने जब मस्जिदों में लोगों को जाने से रोकने को साजिश बताया तब वो अच्छी तरह से जानता था कि वो सरकारी फरमान के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। इस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई होनी। गैर इरादतन हत्या की धारा लगने और हवाला लेन देन पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद भी पुलिस की आंखों में धूल ही झोंक रहा है। सवाल यह है कि अब तक साद ने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपी? साफ है कोरोना के बहाने जांच से बचने की कोशिश में लगा है साद।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर मौलाना साद को नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से ये चौथी नोटिस है जो मौलाना साद को भेजी गई है। इस नोटिस में भी क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद से कहा है कि क्या आपने किसी सरकारी अस्पताल या एम्स से अपना कोरोना का टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया है, और अगर करवा लिया है तो उसके टेस्ट की रिपोर्ट की कॉपी क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने साद के फार्म हाउस सहित कई ठिकानों पर भी छापा मारा था, लेकिन कुछ मोबाइल और दस्तावेजों के अलावा कुछ नहीं मिला। जांच एजेंसियां अब मौलाना साद का मेवात कनेक्शन भी खंगाल रही है। मेवात के नूह जिले में साद के दो कारोबारियों पर क्राइम ब्रांच की नजर है। ईडी भी इनसे विदेशों से मरकज की मोटी फंडिंग मामले में पूछताछ कर सकती है। इधर मरकज की जांच में शामिल एक और कांस्टेबल जो जांच के लिए निजामुद्दीन मरकज गया था, दो दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद टीम के 15 लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। खतरा देखते हुए मरकज की जांच में जुटी टीम के सदस्य होटल में ठहरे हुए हैं। साथ ही सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद अब भी जाकिर नगर वेस्ट में ही छुपा है और ये इलाका हॉटस्पॉट जोन में है। इसी के आड़ में मौलाना साद पुलिस से छिपता फिर रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कोरोना पर चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि वुहान के लैब से ही कोरोना वायरस निकला है। One of two things happened. They either didn't do it and, you know, they couldn't do it from a competent standpoint or they let it spread. लगता है चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप ने बुधवार को फिर कहा कि महामारी का रूप लेने वाले कोरोना वायरस चीन के वुहान की लैब में ही बनाया गया था। ट्रंप का कहना है कि वुहान की जैविक प्रयोगशाला में कोरोना वायरस तैयार करने के पक्के सबूत हैं, हालांकि उन्होंने इसके सबूतों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी। We're looking at exactly where it came from, who it came from, how it happened. Separately and also scientifically, so we're going to be able to find it. And my question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ कोरोना से 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका में लगातार तनातनी की स्थिति है। पहले चीन ने अमेरिकी सेना से चीन तक इस वायरस को पहुंचाने का इल्जाम लगाया, तो ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया कि उसने दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में वक्त पर नहीं बताया और वायरस को फैलने दिया। एक तरफ दुनिया महामारी के महासंकट से जूझ रही है, दूसरी तरफ दो सुपर पावर आपस में लड़ रही हैं। आज तक ब्यूरो। एक और प्रधानमंत्री इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित हुए हैं। उन्होंने कल राष्ट्रपति पुतिन को इसकी जानकारी दी थी। रूस के प्रधानमंत्री को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तो कोरोना से ठीक होकर काम पर लौट चुके हैं, लेकिन दुनिया की एक और हाई प्रोफाइल शख्सियत कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गया है। वो हैं रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। टेस्ट, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями. यहाँ रूसी भाषा में मिशुस्तिन राष्ट्रपति पुतिन को खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दे रही हैं। मिशुस्तिन कह रही हैं, मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे कोरोना टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आया है। प्रोटोकॉल के तहत मुझे आइसोलेटेड रहना होगा और डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करना होगा ताकि मेरे सहकर्मी सुरक्षित रहें। हाई सिक्योरिटी जोन में रहने वाले किसी प्रधानमंत्री का कोरोना संक्रमित होना आपको हैरान कर सकता है, लेकिन अपने पीएम के कोरोना संक्रमित होने की खबर सुनकर पुतिन जरा भी चकित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, डियर मिखाइल व्लादिमीरोविच, आपके साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। आप और सरकार के सदस्य, राष्ट्रपति के प्रशासन के हमारे सहकर्मी खास तौर पर जोखिम में हैं, क्योंकि आप दूसरे लोगों से संपर्क सीमित रखने के लाख जतन करें, लेकिन आप लोगों और सहकर्मियों के साथ सीधे संपर्क से नहीं बच सकते।
इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, जरूरी ये है कि हमारे सहकर्मी सुरक्षित रहें। 54 साल के मिशुस्तीन की जगह अब अंद्रेई बेलोसोव पीएम पद का काम देखेंगे। रूस में कल कोरोना के रिकॉर्ड 7,099 नए मामले सामने आए हैं। इससे रूस में कोरोना के कुल 106,498 केस हो चुके हैं, इनमें 1,073 की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मामले 35,000 के पार, अब तक 1,147 की मौत, करीब 9,000 मरीज ठीक, महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना को लेकर सरकार ने बांटे देश में रेड जोन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद रेड जोन में, राजधानी के सारे जिलों में खतरा। दिल्ली की सारी सीमाएं सील, गुड़गांव की एंट्री बंद, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद बॉर्डर पहले से ही सील। श्री हजूर साहिब से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं ने बढ़ाई अमरिंदर सरकार की टेंशन, अब तक 148 लोग संक्रमित, कई रिपोर्ट्स का इंतजार। प्रवासियों की वापसी के लिए राज्य सरकारों ने कसी कमर, 5 राज्यों ने केंद्र से की स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग, अमरिंदर ने पीएम को लिखा खत। देश में अब तक कोरोना से 35,000 से ज्यादा मामले, 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से देश भर में 1,147 लोगों की मौत, 8,800 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 10,400 से ज्यादा बीमार की संख्या, 459 लोगों की गई जान। मुंबई में बीमारों की संख्या 7,000 के पार, अब तक 290 लोगों की मौत। गुजरात में 4,300 के पार पहुंचा कोरोना का मामला, 214 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 3,500 से ज्यादा, कोरोना के 59 लोगों की मौत की बना वजह। राजस्थान में कोरोना से 2,500 से ज्यादा बीमार, 58 लोगों की गई जान। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना विस्फोट, 500 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना में कम हो रहे हॉटस्पॉट जिले, देश में अब 169 जिले रेड जोन में। कोरोना केस के दोगुना होने के मामलों में बढ़ोतरी, अब 11 दिन में हो रही दोगुनी बीमारों की संख्या। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को किया गया बंद, केंद्र और हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों की तरफ से जारी पास वालों को छूट। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2600 के पार, अब तक 137 की गई जान। इंदौर में 72 लोगों की कोरोना से मौत, अब तक 1513 लोग कोरोना से संक्रमित। बिहार में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या बढ़कर 400 से ज्यादा, 82 मरीज हुए ठीक। निहंग मामले में हाथ गंवाने वाले एएसआई पटियाला पहुंचे, पुलिस अफसरों ने किया स्वागत। प्रयागराज में महाराष्ट्र नासिक से लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप, कॉन्टैक्ट में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश में 2200 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 39 की मौत, 500 से ज्यादा ठीक। आगरा में 455 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 14 की गई जान। मुंबई से यूपी साइकिल से जा रहे एक शख्स की मौत, पुलिस ने कहा थकावट और भूख हो सकती है वजह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के ललितपुर जिले में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। असम के लखीमपुर जिले में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने वाले पुलिसवालों पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। कोरोना से ठीक होकर दिल्ली के सफदरजंग थाने लौटे एएसआई बिजेन का थाने में जोरदार स्वागत, साथ ही पुलिस वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शख्स की चाकू से हत्या, सस्ता चिकन बेचने पर हुआ था विवाद, दूसरे दुकानदार ने चाकू मारा। भोपाल में परिवार से पुलिसकर्मियों ने किया तनाव दूर करने के लिए डांस, देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज, झूठे आरोपों पर वीडियो बनाकर किया था वायरल। बिहार के बहादुरगंज के कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने मांगी दान की 50 लाख की रकम, बोले नीतीश कुमार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रहे हैं नाकाम। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत, परिवार के 4 सदस्यों समेत 13 लोगों को किया गया क्वारंटीन। पटना के खड़गपुर थाने के हवलदार समेत 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, आबकारी विभाग के अधिकारी बनाकर ठगने का आरोप। लॉकडाउन के बीच अंतिम संस्कार के लिए 11 दिन से भटक रहा एक परिवार, कोरोना टेस्ट के नाम पर अस्पताल नहीं दे रहा है शव।
गुजरात की गोधरा में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। यूपी के फिरोजाबाद में फर्नीचर बाजार में लगी भीषण आग, एक दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर हुई था। झारखंड के पलामू जिले में लोगों ने बनाया आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, नीम, फिटकरी, एलोवेरा जैसी चीजों का हो रहा है इस्तेमाल। दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, लॉकडाउन से था परेशान, पुलिस कर रही है जांच। शाहरुख खान का वीर फाउंडेशन कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2,500 पीपीई किट भिजवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे मासूम का स्वागत, 18 दिन पहले 8 साल के सोनी की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, फंसे हुए लोगों को लाने ले जाने पर हुई चर्चा। शिमला में हुई भारी बारिश और तूफान ने सेब की फसलों को किया बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। चंडीगढ़ के सुंदरनगर में पुलिस बनी मददगार, सांप के काटने से बीमार हुए शख्स को पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दिखा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण, नमाज पढ़ते पुलिस वालों को धूप से बचाने के लिए आ गया दूसरे धर्म का पुलिस वाला। जैसलमेर से प्रवासी मजदूरों की हो रही है घर वापसी, अब तक 13,000 से ज्यादा मजदूरों को भेजा जा चुका है। लखनऊ में बंथरा के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, परिवार के एक ही सदस्य पर लगा हत्या का आरोप। कश्मीर के बडगांव में आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश, सेना के जवानों ने ढूंढ निकाला। साहिबाबाद में कोरोना से ठीक होकर लौटे शख्स का जोरदार स्वागत, लोगों ने शंख और फूलों की बारिश करके किया अभिनंदन। गोरखपुर के बांसगांव में बीजेपी सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना लोगों का हाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बर्थडे केक लेकर पहुंची पुलिस, मां ने बेटे के केक मंगवाने के लिए किया था ट्वीट। हिमाचल में जल्द हो सकता है कोरोना फ्री जोन, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत, बीते 6 दिन से नहीं आया है कोई नया मामला। कानपुर के गोविंद नगर में पुलिस और बंजारों के बीच झड़प, बीच में आई महिलाओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू, यूपी बिहार बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के बाद भेजने की तैयारी। अयोध्या में सरयू के तट पर झोपड़ी में मृत पाए गए साधु की मौत पर सवाल, जल प्रवाह करने वाले साधु ने कहा पुलिस ने पंचनामे पर नहीं लगवाया था अंगूठा। यूपी के डीजी ने गाजियाबाद के जमातियों के लिए बनी अस्थायी जेल का किया दौरा, पुलिस पर हमला करने वाले यही रखे गए। कानपुर में पुलिस के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव, कोरोना के संदिग्ध मरीजों को पकड़ने गई थी टीम। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त पुलिस, लिटाकर और बिठाकर चलने वाली तस्वीरें वायरल। सहारनपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को कराई उठक बैठक, बिना किसी पास के हॉटस्पॉट इलाके में घूम रहे थे लोग। यूपी के महाराजगंज में एक शख्स मिला पॉजिटिव, 6 दिन पहले दिल्ली से लौटा था, गांव को किया गया सील। प्रयागराज में आध्यात्मिक संस्था ओम नमः शिवाय रोजाना भोजन और मांस बांटने में जुटी। अमरोहा में विधायक राजीव तरारा ने अफसरों के साथ सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर मारे छापे, खामियां जल्द ठीक करने का निर्देश दिया। हाथरस में अजान बंद कराने के डीएम के आदेश से नाराज लोग, पूर्व विधायक हाजी जमरुल्ला खान ने डीआईजी से की शिकायत। यूपी के हाथरस में आई तेज आंधी और बारिश से आम और गेहूं की फसल तबाह, सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग। सुल्तानपुर में लाइन हाथ दरोगा का भीड़ ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर के बाद 3 गोद तस्कर गिरफ्तार, 3 तमंचे, कारतूस और मांस बरामद। भोपाल में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा, ईरान में फंसे पिता तो बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए पुलिस केक लेकर घर पहुंची, नेवी में है पिता। दुर्गापुर में एक रेलवे इंस्पेक्टर का मानवीय चेहरा आया सामने, अपनी सैलरी के पैसे से भूखे जानवरों को खिला रहे हैं खाना। सतना में 3 पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प, प्रधान आरक्षक पर कुल्हाड़ी से हमला, गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जबलपुर में लॉकडाउन तोड़ झुंड बनाकर बैठे लोगों को समझाने गई पुलिस से बदतमीजी, धारा 188 के तहत केस दर्ज। शहडोल में प्रवासी मजदूरों गांव में घुसने से रोका, कोरोना के डर से गांव वालों ने खुद को किया सील। बक्सर बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 मरीज मिलने से हरकम, जिले में 40 हुई मरीजों की संख्या। सासाराम के भद्रा गांव में सब्जी बेचने के दौरान हिंसक झड़प, एफआईआर दर्ज। बेतिया में कोरोना के मिले 5 मरीज, पिछले दिन दिल्ली से आए थे सभी मजदूर। कोरोना के खतरे को देखते हुए समस्तीपुर में पुलिस एम्बुलेंस की चेकिंग, गलत तरीके से एम्बुलेंस चलाने पर फटकार। मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर में योग की लगी क्लास, पुलिस ने की पहल। भरतपुर के ग्रामीण इलाके में कई युवकों के खातों में जमा हुए लाखों रुपए, पुलिस में दर्ज करवाया केस, साजिश की आशंका।
अलवर के चैनपुरा गांव में सब्जियों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव। प्रशासन ने 3 किलोमीटर क्षेत्र में लगाया कर्फ्यू। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर हरजीत सिंह पटियाला पहुंचे, पुलिस अफसरों ने किया स्वागत। निहंगों ने लॉकडाउन के दौरान काट दिया था हाथ। अंबाला में एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, 2 बेटियां 1 बेटा, तीनों सेहतमंद। पठानकोट में निजी कॉलेज के प्रोफेसर की अनूठी पहल, छत में माइक लगाकर पूरे मोहल्ले को कराते हैं एक्सरसाइज। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब आए श्रद्धालुओं में कोरोना पॉजिटिव, 30 से ज्यादा लोगों में वायरस की पुष्टि। गुरदासपुर के भट्टिया गांव में 3 कोरोना पॉजिटिव, तीनों को जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया। हरियाणा के झज्जर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10, इनमें से 9 लोग सब्जी मंडी में करते हैं काम। कपूरथला में 4 घंटे की कर्फ्यू ढील में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पंजाबी फिल्म के एक्टर और पंजाब पुलिस में एसआई अपनी एक्टिंग से कर रहे हैं कमाल, लॉकडाउन तोड़ने वालों को ओपन जेल में हंसाकर सिखाते हैं कानून का पाठ। लॉकडाउन के बीच फरीदाबाद से बिहार साइकिल पर जाने को मजबूर है मजदूर। कोरोना के दिल्ली के चलते दिल्ली हरियाणा सरकारों में छिड़ी जंग। हरियाणा सरकार ने बॉर्डर एरिया में जो रोड है उस पर खुदवाए गड्ढे। गुरुग्राम में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में जब्त किए सैनिटाइजर। सिरसा में लॉकडाउन के दौरान मास्क बनाने में जुटी सांसद सुनीता दुग्गल, कोरोना से लड़ने के लिए आम लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क। लॉकडाउन में रोहतक के किसान फसल बिकने में देरी से परेशान, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते रोजाना 100 किसान जा पा रहे हैं मंडी। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 790 के पार, 33 की मौत। 924 परगना में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, दुकानों के बाहर लंबी कतार। बर्दवान में ममता के मंत्री ने उठाया राशन बांटने में गड़बड़ी का मामला। झारखंड के रामगढ़ में 1.5 महीने से फंसे हैं बाराती, बारातियों को अब खुद बनाना पड़ रहा है भोजन। असम के बोगाई गांव में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके को रेड जोन घोषित किया गया। हैदराबाद की सीसीएमबी लैब में कोरोना वायरस का कल्चर किया गया, वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक कर रहे हैं जीनोम का अध्ययन। कोयम्बटोर में लॉकडाउन के 11 घंटे की छूट, बाजार और सड़क पर लगा जाम। कर्नाटक के कलबुर्गी में 7 मई तक धारा 144 लागू की गई, सड़क पर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चेन्नई में लोगों ने लॉकडाउन की जमकर उड़ाई धज्जियां, दुकानों के बाहर भारी भीड़, सड़क पर वाहनों का रेला। ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। लॉकडाउन में फंसी बेल्जियम की छात्रा की आज तक की मदद से हुई वतन वापसी, पुलिस को फोन कर पहुंचाया खाने पीने का सामान। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर चेक पोस्ट पर पकड़ा गया नकली सफाई कर्मचारी, पुलिस ने उतरवाई वर्दी तो फूट फूट कर रोने लगा। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन कैमरे से नजर, कानून तोड़ने वालों की मौके पर जाकर पुलिस ले रही खबर। दतिया में पेड़ कटवाने के विवाद में हत्या, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुर्गापुर के सीएसआईआर में बना रोबो अस्पताल में करेगा लोगों की मदद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन लागू होने के बाद ट्रक ड्राइवर्स की चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स को खाने पीने की काफी दिक्कत आ रही है। इसके बाद सरकार ने रियायत देते हुए हाईवे किनारे ढाबे को खोल दिया है, लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर्स की समस्या बनी हुई है। देखिए हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की रिपोर्ट। पहले लॉकडाउन में ये महसूस किया गया था कि जो ट्रक वाले निकल रहे हैं उन्हें खाने पीने को चीजें नहीं मिल रही हैं, और इसीलिए रियायत दी गई और कहा गया कि कुछ कुछ दूरी पर जो राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी उस पर ऐसे ढाबे जो हैं वो खुलेंगे। अब यहाँ पर हम बहरोड में जमुना होटल पर हैं, यहाँ पर ढाबा खुला हुआ है। कब से खुला है? अभी 20 तारीख बाद। 20 के बाद? हाँ, जब निर्देश आ गए थे उसके बाद। उसके बाद आप लोग ट्रक लेकर निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? ये जब से लॉकडाउन हो यही है, यहीं पर है। कैसे चल रहा है आपका काम? क्या करें, यही रोटी खाते हैं, यही सब पड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, आप कहाँ से निकले थे? हम भी यही है, लॉकडाउन से यही बैठे हैं, होटल पे ही है। हाँ। और कहाँ जाएंगे तो अब? तो अभी
तक कुछ बताया नहीं गया कि आप कहाँ निकलेंगे? कोई वो नहीं हुआ है अभी, क्या कहाँ जाना है, क्या सिस्टम है, कोई नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग सब लेकिन लोकल है राजस्थान के? यूपी से रायबरेली से। रायबरेली से आप राजस्थान से हैं और बाकी लोग आप लोग यहीं के हैं या आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं। आपको भी नहीं पता कि अब आगे कहाँ निकलना है तो यहीं पर हैं? यही है 22 तारीख से। लेकिन इसके बीच में बाकी ट्रक भी तो आते जाते हैं, अब तो मूवमेंट शुरू? हाँ, ये खाने पीने की चीज के ट्रक आते जाते रहते हैं। हाँ। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एसेंशियल वाले में नहीं थे? हाँ, नहीं, एसेंशियल वाले ट्रांसपोर्ट में नहीं है। तो जब यहाँ पर जैसे खाने पीने की व्यवस्था से फायदा हो जाता है, पैकअप करके दे देते हैं, अपने गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। तो यहीं पे जिंदगी आप लोगों की बीत रही है ऐसे ही मुश्किल में? हाँ जी, बहुत औखा है ये। हाँ जी, सरसा से आए हुए ये अपने बेटे से बात कर रहे हैं? हाँ जी, वीडियो कॉल से बातचीत, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह अच्छा आ रहा है तो? हाँ जी, बात बहुत तो हो जाती है। कितनी बार बात कर पाते हैं आप बताइए? पहली बार वीडियो कॉल से? एक आधी बार बात होती है जी दिन में। पहले और दूसरे लॉकडाउन के बीच हाईवे की तस्वीर बदली है। पहिए सड़कों पर लौटे हैं, उनके लिए सड़क किनारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिंदगी को अगर पटरी पर लौटना है तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जयपुर आज तक।